में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहे, आगे भी करते रहे। साथियों, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस का बहुत विशेष अवसर के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। ये वो वर्ष है जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एकता नगर में ये जो परेड हुई है, हमें इस बात का एहसास भी दिला रही है कि जब सब एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज यहां देश भर से आए हुए कुछ कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले थे, भारत के विविध नृत्यों को भी प्रदर्शित करने वाले थे, लेकिन कल की घटना इतनी दुखद थी कि आज के इस कार्यक्रम में से उस कार्यक्रम को हटा दिया गया। मैं उन सभी कलाकारों से उनके यहां तक आना, उन्होंने जो पिछले के दौरान मेहनत की है, लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला, मैं उनके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं। साथियों, ये एकजुटता, ये अनुशासन परिवार, समाज, गांव, राज्य और देश हर स्तर पर आवश्यक है, और इसके दर्शन आज हम देश के कोने कोने में कर भी रहे हैं। आज देश भर में 75,000 एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश का जन जन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्प शक्ति से प्रेरणा ले रहा है। आज देश का जन जन अमृत काल के पंच प्राणों को जागृत करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकल्प ले रहा है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर, केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता, क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती, क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते। आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है।